हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमिका। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं, दोस्तों आप प्रेगनेंसी किट से ही घर बैठे कैसे पता लगाएंगे आपको जो है लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों, आप में से बहुत सारे सब्सक्राइबर यानी मेरे जो बहुत सारे प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे अक्सर कमेंट करते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान जब भी उन्होंने फर्स्ट प्रेगनेंसी उनको पता चला तो उन्होंने मतलब प्रेगनेंसी चेक किया था, तब भी उनका जो प्रेगनेंसी का जो किट था वो हल्का लाइन था, मतलब जो दो लाइन था वो हल्का था। लेकिन जब भी आप भी वो प्रेग्नेंट होने के बाद वो चेक करते हैं तो जो प्रेगनेंसी किट में जो लाइन होता है वो ज़्यादा ही गाढ़ा दिखाई देता है, ज़्यादा ही डार्क दिखाई देता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में सिंपल सी बात है, आपको मैं एक बात बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी किट से आप कैसे पता लगाएंगे आपको जो है लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों, बहुत सिंपल सा तरीका है, घर बैठे आप पता लगा सकते हैं, चुटकियों में आप जान सकते हैं कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। तो आइए दोस्तों, वीडियो को बिना लंबा किए हम बात कर लेते हैं प्रेगनेंसी किट से आप कैसे पता लगाएंगे आपको लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों, प्रेगनेंसी जैसे महिला को पता चलता है वो प्रेग्नेंट है, सबसे पहले उनको डाउट होता है, तो सबसे पहले वो यूज़ करते हैं प्रेगनेंसी किट ये जानने के लिए कि वो प्रेग्नेंट है या प्रेग्नेंट नहीं। लेकिन दोस्तों, अभी आप पता लगा सकते हैं प्रेग्नेंट किसी किट से ही कि आपको जो है आपका जो बच्चा है वो लड़का होगा या लड़की होगी, यानी कि आपकी जो घर में मेहमान है वो राजकुमार आएगा या राजकुमारी आएगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं आपको कैसे पता करना है। सबसे पहले दोस्तों, आपको लेना है प्रेगनेंसी किट। ऑब्वियसली हम प्रेगनेंसी किट के ऊपर बात करें तो आपको प्रेगनेंसी किट तो चाहिए ही है। तो दोस्तों, हम लेंगे सबसे पहले एक प्रेगनेंसी किट और उसमें हम डाल देंगे, जैसे नॉर्मली हम प्रेगनेंसी चेक करते हैं वैसे ही आपको करना है, आपकी यूरिन डालना है और आपको चेक करना है प्रेगनेंसी आपका। ये आपको ऑब्जर्व यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, टेस्टिंग लाइन और कंपेयर लाइन। दोस्तों, वहाँ पे प्रेगनेंसी किट में दो लाइन होता है, एक रहता है टेस्टिंग और रहता है कंपेयर। दोस्तों, अभी आपको देखना है कि कंपेयर लाइन के मुताबिक टेस्टिंग जो लाइन का जो मतलब जो टेस्टिंग लाइन है वो ज़्यादा डार्क है या कम है। देखिए दोस्तों, अगर प्रेगनेंसी की थी जो टेस्टिंग लाइन है वो ज़्यादा डार्क दिखाई देता है, इट मीन्स आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। और वहीं पे अगर कंपेयर लाइन के मुताबिक वो हल्का सा मतलब गुलाबी दिखता है लेकिन ज़्यादा डार्क नहीं दिखाई देता है, इट मीन्स आपने बेबी गर्ल को कंसीव किया है। दोस्तों, यह एक तरीके से आप इजीली पता लगा सकते हैं आपको जो लड़का होगा या लड़की होगी। दोस्तों, आप ज़रूर ये टेस्ट करके मुझे कमेंट करिएगा, ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपको क्या हुआ, आपको कैसे क्या पता चला कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। बाद में डिलीवरी होने के बाद मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्या ये सच साबित हुआ था। देखिए दोस्तों, अभी मैं बात कर रही हूँ तो अपनी बात भी बता देती हूँ। दोनों प्रेगनेंसी के समय मैंने भी टेस्टिंग किया था तो एक लाइन मेरा हल्का आया था, लेकिन दोस्तों सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद जब मैंने चेक किया अचानक से दोनों लाइन मेरा डार्क हो गया, लेकिन कंपेयर लाइन के मुताबिक जो टेस्टिंग लाइन है बहुत ज़्यादा डार्क दिखाई दिया। और दोनों प्रेगनेंसी के समय मेरे साथ ऐसा हुआ था और दोनों समय मुझे बेबी बॉय हुआ। दोस्तों, बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मिलूंगी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक लेटे करके इस few bye।